हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आऊँ एक बहुत ही अनोखी वीडियो जो कि है टीवीएस विक्टर मॉडिफाई। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जो मेरी टीवीएस विक्टर थी मैंने उसको मॉडिफाई करके बहुत ही बेहतरीन लुक दे चुके हैं। जैसा कि आपको जो कंपनी वाले शोरूम से बाइक देते हैं तो उसमें आप कई बार ये सोचते हैं अरे मेरी तो गाड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं लगती आम गाड़ियों के मुकाबले। तो अभी मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप मॉडिफाई कर सकते हैं आरटीओ के परमिशन द्वारा। जी हाँ, जो आरटीओ ने परमिशन दे चुके हैं कि आप ये मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे जो आपका अलॉय व्हील है मोटरसाइकिल का, वो ब्लैक कलर का था, मैंने सिल्वर कलर का किया। और भी ये मॉडिफिकेशन जो कि मैंने अपनी बाइक में किए हुए हैं जो आरटीओ के परमिशन के द्वारा है। तो जी हाँ, आप भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो टीवीएस विक्टर खड़ी हुई हैं, एक रेड कलर की टीवीएस विक्टर और एक ब्लैक कलर की टीवीएस विक्टर। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि कंपनी आपको कैसे टीवीएस विक्टर देती है और आप मॉडिफाई क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या उसमें मॉडिफाई करने के बाद कैसा लुक आने वाला है आपकी टीवीएस विक्टर में। और इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और भी इसमें कई मॉडिफिकेशन ऐसे बताऊंगा मैं कि जो कि आपकी टीवीएस विक्टर कंपनी नहीं दे पा रही है। तो जरूर से जरूर वीडियो पूरा देखें। तो जी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये रेड कलर की टीवीएस विक्टर है, यही मॉडिफाई करी गई है। तो आगे का इसका जो फ्रंट पैनल से मैं शुरुआत करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। मॉडिफिकेशन के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो अभी मैं क्या बताने वाला हूँ कि दोनों मॉडिफिकेशन के बारे में सन मिलिंग पड़े होंगे, वहाँ से भी जाकर के आप मॉडिफाई वीडियो देख पाएंगे मोटरसाइकिल की। और यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। रेड कलर टीवीएस विक्टर और ब्लैक कलर टीवीएस विक्टर आप देख पा रहे होंगे दोनों। तो मैंने केवल रेड कलर की मॉडिफाई की है, आप देख पा रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं इसमें। तो आप सबसे पहले आप यहाँ से हेडलाइट से मैं शुरू करता हूँ। तो हेडलाइट के ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पर आँखों का निर्माण किया गया है एक ब्लैक कलर की सीट से, जो कि ब्लैक मैट सीट है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये भी बनाया गया था अलग से। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूँ, वो है अलॉय व्हील। तो जो इसके अलॉय व्हील थे वो ब्लैक कलर के थे जैसे उसमें लगे हुए हैं, और यहाँ पर अभी इसको सिल्वर कलर का किया गया है। यहाँ पर दो मॉडिफिकेशन अलग अलग किए गए हैं, जैसे कि एक ट्यूनिंग हॉर्न है और एक लाउडली साउंड वाला हॉर्न है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके के ये मॉडिफाई इंडिकेटर हैं। यहाँ ये आपको बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे होंगे अपने टीवीएस विक्टर में, जो आपके टीवीएस विक्टर है, और यहाँ पर आपको छोटे छोटे दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन ये हो जाता है। अब आती है हैंडल बार की लाइट और हैंडल की बात। तो हैंडल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मिरर में लाइट लगी हुई है, और यहाँ पर हैंडल बारों में भी लाइट लगी हुई है, आप देख पाएंगे। ये देखिए, तो हैंडल बार लाइट ये डुबल कलर में जलती है। और एलसीडी में आपको कई अलग अलग प्रकार की कलर्ड लाइट देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वैसी ही टंकी लगी हुई है, अभी टंकी का भी कोई मॉडिफिकेशन अच्छा निकाला जाएगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सीट कवर, ये बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव, इसको सॉफ्टी बना दिया गया है, जैसे टीवीएस विक्टर में थी वैसे नहीं है, ये अलग हो चुकी है। तो भी आपको मैं पीछे दिखाना चाहूँगा। तो पीछे दिखाने के लिए सबसे पहले ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक नहीं देता है। तो अभी मैं आपको ब्लैक वाली टीवीएस विक्टर में दिखाऊंगा। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी मैटी ब्लैक सीट से बनाया गया है। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन देने वाली चीज़ है इसके जो बैक इंडिकेटर हैं, इसमें दो कलर लाइट जलती है। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है और सबसे वीडियो के आखिरी में एंड में भी है, तो आप वहाँ से भी जा करके देख पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये देखिए जलने भी लगे हुए हैं ये इंडिकेटर, कितने स्मूथली जलते हैं वो तो आप बाद में आप अपने जब विक्टर में लगाइएगा तो आप देख लीजिएगा। और ये जो आप देख पा रहे होंगे बैक भी जो अलॉय व्हील है ये भी सिल्वर कलर में कर लिया गया है। तो कैसा लगा आपको ये मॉडिफिकेशन? और यहाँ पर भी मैटी ब्लैक लगाया गया था, ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर ये भी मैटी ब्लैक लगाया गया था, इसको मैटी ब्लैक। हाँ तो फ्रेंड, जैसे कि आप इसकी एलसीडी में देख पा रहे होंगे कुछ अलग सा आपको दिखने को यही देखने को मिलेगा कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है आम गाड़ियों से, क्योंकि मैंने इसमें एक एलईडी एक्स्ट्रा जोड़ दी है। आप अगर देखना चाहें तो प्लीज़ मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा।
और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगा वो है यहाँ पर किल स्विच है ये। किल स्विच की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जा करके आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये देखिए LCD चली गई, LCD आ जाती है वापस, और आपको चाबी बंद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप कहीं भी जाम में या बहुत ही ट्रैफिक में खड़े हों तो आपको चाबी बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से किल दबाइए और आपकी LCD बंद और पूरा इंजन बंद। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हैंडल बार लाइट और अभी अलग अलग मॉडिफिकेशन। तो मैं आपको लेकर के आया हूँ ब्लैक कलर TVS विक्टर के पास। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें मॉडिफिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं खास कराया गया है। जब TVS विक्टर आप ख़रीदेंगे तो कुछ आपको ऐसा लुक देखने को मिल सकता है, तो ऐसा लुक आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे TVS का लोगो जो इसमें लगा हुआ है वो इसमें लगा हुआ है, स्टिकर नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आँखी टाइप की बनी हुई थी, इस वजह से हम लोगों ने इस तरीके आँखी बना ली। और ये भी मॉडिफिकेशन के हिसाब से बहुत ही बेस्ट लगती है, अगर आप दूर से इसको लेकर के निकलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी गाड़ी। और ये जो है ये भी आप अलग से लगा सकते हैं, ये भी बहुत ही मस्त लगता है अपनी गाड़ी में TVS विक्टर में। तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो को। और यहाँ पर आपको कुछ भी ये जो आपको अलॉय व्हील मैंने अभी आपको सिल्वर कलर के दिखाए हैं, ये आपको ब्लैक कलर के मिलने वाले हैं। चाहे आप कोई भी, इसके 3 वर्जन आते हैं, मतलब ब्लैक, रेड, वाइट, और अब तो कई वर्जन आने लगे हैं। तो इस वजह से आपको ब्लैक कलर में ही अलॉय व्हील मिलेंगे, और जो इंजन का कलर है वो भी ब्लैक कलर का ही। पीछे भी आप देख पा रहे होंगे कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दे रखे हैं TVS विक्टर वाले। और ये जो पीछे का मैंने आपको बताया आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ आपका ऐसे दिखेगा और ये अच्छा नहीं लगता देखने में, तो इस वजह से इस तरीके बनाया गया है। और इसके इंडिकेटर भी कुछ मतलब खास नहीं रहते हैं, तो इस वजह से इसमें ये वाले इंडिकेटर फिट किए गए हैं मॉडिफिकेशन के हिसाब से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं चमक नहीं आ रही है, तो मैटी लगाने के बाद थोड़ा चमक आ जाती थी, और भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। और यहाँ पर भोपू वाले हॉर्न लगे हुए हैं, ये अलग से मॉडिफिकेशन के लिए करवाया जाता है। और LCD में आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ नॉर्मल LCD आती है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसमें येलो कलर की LCD आती है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, नीचे डिस्क्रिप्शन में कई और वीडियो के लिंक पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जा कर के देख पाएंगे। और यहाँ पर अभी आपको एक छोटा सा जो कि वीडियो में बना के दिखाना चाहूँगा अच्छी सी, जिसमें म्यूज़िक लगी हो आपको अच्छी लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें अगली ऐसी वीडियो अपडेट पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।